अब मैं चाहता हूँ आउटलुक के साथ लिंक करना, तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि हम न्यू मेल में लिंक करते हैं, न्यू मेल में गए पेस्ट स्पेशल और लिंक कर दिए, बट कहानी वही पर आती है कि जब मैं डेटा को अगर यहाँ लिंक कर कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं यहाँ एक मिनट पेस्ट स्पेशल में गया और लिंक यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, मान लीजिए पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, अब मैंने आपको मेल भेज दी, तो क्या मैं अपने यहाँ चेंज करूँगा और आपके यहाँ चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही यहाँ से मैं सेंड करूँगा, मेरी एक्सेल के साथ किसी तरह की लिंकिंग नहीं रहेगी। तो फिर क्या बेनिफिट हुआ? हम एक बार कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि हर बार हम मेल जो जनरेट करेंगे तो ही होगा, क्योंकि मेरा सेंड आइटम भी तो चेंज नहीं होगा ना, आपके पास इनबॉक्स में चेंज होगा। तो इसका यूज हम लोग करते थे, बहुत अच्छा यूज करते थे। क्या होता था कि जब मैं एक कंपनी में मार्केटिंग टीम में काम करता था, सेल्स टीम में काम करता था, तो हमें उनको हर घंटे एक सेल्स अपडेट भेजना होता था। अब ये डेट जब भी जो भी सेल्स होता था वो मेरे एक्सेल फाइल पे आता था, एक्सेल फाइल में पीवट बनता था, उस पीवट को मुझे हर घंटे मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना होता था। तो हर घंटे मुझे यहाँ एक मेल कंपोज करना होता है कुछ इस तरह से सीसी में, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालना होता था कि सेल्स अपडेट, यहाँ पे देना लिखना होता था जो लिखते हैं ना डियर सर मैम वगैरह वगैरह रिस्पेक्टेड वगैरह जो भी लिखना होता है, बिलो आर सेल्स फॉर्मेट, सेल्स अपडेट कर दीजिए अपडेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं, लिंक कर दिए, और उसके बाद यहाँ रिगार्ड वगैरह जो देना है रिगार्ड वगैरह दे दीजिए। अब मुझे इस मेल को हर घंटे भेजना है, एवरी आवर, तो अब मैं यहाँ पे सेंड नहीं करूँगा। सेंड करने से पहले इस पूरे मेल को सेव करूँगा। कहाँ सेव करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने मेल तैयार कर लिया, सब कुछ रेडी है, हमने पेज से पिक्चर लिंक कर दिया। अब सेंड करने से पहले मुझे करना है इसको सेव एज फाइल में, सेव एज, सेव एज में यहाँ जो हम पे सेव एज टाइप है, जो फाइल का टाइप है, वहाँ पे आउटलुक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा क्या सिलेक्ट करना है, आउटलुक टेम्पलेट, और इसके बाद एक लोकेशन चूज कर लीजिए जहाँ आप सेव करना चाहते हैं, और देन यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए यस, यहाँ पे यस, उसके बाद अब इसको मैं सेंड कर सकता हूँ। अब मेरा एक घंटे बाद मेरा डेटा चेंज हुआ। अब चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ब्लू कर देता हूँ और 19 को मैं 91 कर देता हूँ, राइट। अब मैं वापस जब मुझे मेल करना होगा तो आप देखेंगे कि मेरे सिस्टम पे डेस्कटॉप पे मेरे पास इस तरह का सेल्स अपडेट का इस तरह का आइकन आ गया। जस्ट मुझे इसको डबल क्लिक करना है, ये कन्फर्मेशन पूछेगा, यस करना है। यस करते ही जो मेल कंपोज होके आएगा वो पूरा का पूरा रेडी होके आएगा, एवरीथिंग, मुझे जस्ट इस पे सेंड पे क्लिक करना है। तो एवरी टाइम आपका मेल जो है टाइम बचेगा। तो इस तरह के टेम्पलेट, रिपोर्ट के टेम्पलेट आप तैयार रख सकते हो ताकि आपको टाइप वाइप करने की जरूरत ना पड़े और आपका काम क्विकली हो जाए।